आज हम लोग आए हैं द्वारका सेक्टर 9 के इस भूतिया सी जगह पर, जहां आप लोगों को हम भूत दिखाने वाले हैं। ये बोला जाता है कि द्वारका का सबसे हंटेड प्लेस है, जहां पर भूत रहते हैं। तो हम मिस्टर अभिषेक के साथ आए हुए हैं अभी, और आपको लेकर चलते हैं उस भूतिया जगह पर, और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसा है वो भूतिया जगह, आज भी भूत रहते हैं कि नहीं, उन सब चीज़ों को दिखाते हैं आज ही। तो आइए हमारे साथ, आपको हम भूत दिखाते हैं यहाँ पर। आराम से आइएगा, देखिएगा कहीं ठुक ना जाए। चलिए आइए, लाइए अब मैं दिखाता हूँ ज़रा। तो ये शायद इधर से रास्ता है, यहाँ पर पुलिस वाले भी रहते हैं, और कहीं अगर रोक करके हमें दे दिए धमकी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये शायद, अरे कहाँ गया वो जगह भाई, सब गायब हो गया। अरे नहीं सच में, वो बीच में ना ऐसा गोल बना हुआ था, है वहाँ पे, तो वहाँ पे है ये शायद सेक्टर 9 का भूतिया जगह। आप लोग कहीं भी गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये पुलिस वालों का जगह है यहाँ पर, भूतिया जगह, इसीलिए यहाँ पर पुलिस वाले भी रहते हैं। देखते हैं शायद कुछ दिख जाए हमें आज, थोड़ा छोटा सा एक दो मिनट का वीडियो बनाएंगे अपन, देखेंगे। चांदनी रात है, अमावस की काली रात और हम इस भूतिया जगह पर आए हुए हैं, देखते हैं। आगे चल के अब कंटिन्यू करता हूँ। भूत जैसा, अभिषेक जी क्या क्या बताना चाहेंगे आप इस जगह के बारे में, आपको पता है इस जगह के बारे में? नहीं, मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगा। हाँ, तो अभी अब आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जैसे आप गूगल पर सर्च करिएगा, यूट्यूब पर इस जगह के बारे में, द्वारका सेक्टर 9 के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये है वो जगह। तो फाइनली यही वो जगह है हमारी, तो बस फटी पड़ी है, लेकिन तब भी दिखा रहे आपको यार। सामने ले चलते हैं, ये पता नहीं क्या है यार यहाँ पे, ये है भूत जगह, देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भगवान जी हैं यार, शंकर भगवान का मंदिर बनाया हुआ है इस बीच रास्ते में, सुनसान रास्ते पर कोई आ रहा है वहां से। सीने तो ये है यहाँ का एरिया, भूतिया जगह जो भी बोला जाता है, यार मंदिर है यार, कौन बोल रहा है, दादा भाई बोल, और ये मंदिर है, भगवान शिव जी यहाँ पर हैं यार। सही है यार, भगवान जी इतने सारे, जय भगवान जी, यहाँ शंकर भगवान जी हैं यार, पूजा भी करते हैं लोग। ये रहे शंकर भगवान जी, जय भोले बाबा, हर हर महादेव, हर महादेव, चंदन कुमकुम का देखो। तो यार ये है यहाँ का इलाका है, जो भी इतना सारा लाइट भाई जरूरी है, बीच रोड पर है ना ये एकदम ही भाई, कोई भी अगर थोड़ा सा भी तेज चला ना वहाँ से, क्योंकि टर्न है, और वहाँ से तेज चला तो सीधे आकर के ठुक जाएगा। बहुत भगवान जी हैं यहाँ पर। तो हाँ, फाइनली अभिषेक जी आपको क्या लगा यहाँ पर? वैसा कुछ तो लगा नहीं आपको कि भूत नहीं, होगा नहीं, या कुछ भी, आप रोड पर आ सकते हैं, साइड में आ जाए। आते जाते रहता हूँ हमेशा, ऑफिस आने जाने के क्रम में मैं इस जगह से वाकई बहुत। झाड़ियों के बीच में से निकलेंगे यार, कोई वैसा नहीं है यहाँ पर, जैसा हम लोगों को बताया गया था कि यहाँ ये हंटेड प्लेस है, वैसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया एकदम मस्त। आप मुझे भी दिखा सकते हैं इसमें, हम थोड़ा सा एंटर। तो रोड के किनारे आ जाइए, रोड के किनारे आ जाइए, और हमें छोटा सा एक इंटरव्यू ले लीजिए कि हम लोगों ने इस जगह को देखा, परखा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भगवान जी हैं, और यहाँ पर कोई जो ये अफवाह फैलाया गया है कि भूतिया जगह हंटेड प्लेस है, वैसा कुछ नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है। बस ये बात है कि ये जो जगह है वो बीच रोड पर है, तो बीच रोड पर होने के कारण शायद एक्सीडेंट का थोड़ा सा हो सकता है कि भाई एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जगह अच्छा है, क्लीन एकदम, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है बाद बगल में ही, यहाँ मंदिर है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ रात में 2 बजे 3 बजे भी आ सकते हैं, टाइम कितना हो गया वो भी दिखा दीजिए, हम खुद 11 बजे आए हुए हैं यहाँ पर, तो सब एकदम फर्स्ट क्लास, 11:40, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही जगह। और
हम लोग अप्रूव करते हैं कि यहाँ कोई हंटेड प्लेस नहीं है, भूतिया जगह नहीं है, सब एकदम एक नंबर आस्था का। शायद वहाँ पर कोई जाते हुए दिखे मुझे। नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर शायद ये अंदर साइड में कोई या मंदिर है, तो शायद कोई अंदर गया होगा तो पूजा करने लोग जाएंगे। हाँ शायद। चलो और अपना ये मेट्रो स्टेशन है। ये तो मेट्रो स्टेशन है अपना, ये बगल में मेट्रो स्टेशन है। और ये यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भूतिया जगह है, ऐसा कुछ नहीं है यार। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सुनना दिखाना। तो ये हम लोग ने सोचा कि यार आप लोगों को दिखा दिया जाए कि यार यहाँ कोई वैसा भूतिया जगह नहीं है। हम लोग घूमे, पता कर लिए सब कुछ। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम लोग साथ में हैं। आप लोगों के ये जो भी हंटेड प्लेस ये लोग बताते हैं सब हम लोग रिवील कर देंगे। ये सब इनका धंधा है फालतू में, ये भूत भूत बोल करके लोगों को डराने का काम। यूट्यूब पर इनका चैनल चले इसलिए भूतिया कहानियाँ सुनाते हैं। हमारे पास तो वैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम भी पॉडकास्ट करेंगे किसी दिन। अभिषेक जी के पास है स्टोरी, तो किसी दिन हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत सारी स्टोरी भूत वाला ऐसे सुनाएंगे, जैसे हमारे पास है। तो चलिए, वैसे कुछ यहाँ पर है नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं हम लोग, हम लोगों ने देखा नहीं। वैसे चार पांच परछाइयाँ दिख रही हैं हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। आज के लिए तो ये व्लॉग था, वीडियो था, जुड़ा था। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। अभिषेक जी के साथ एक पॉडकास्ट हम अरेंज करा रहे हैं रियल टॉक्स के साथ, तो उसमें ये भूतिया स्टोरी सुनाएंगे। वैसे ये लाइट ब्लिंक करने लगा, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ भूत का असर नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ये लाइट खराब हो चुका है, देख रहा है मुझे। तो बाय बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।